बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिफा का विंटर एग्ज़ाम 2023 का एलएफए का पब्लिक वर्क्स का पेपर है। ये 13 नवंबर 2023 को हुआ था। इसके मैंने दो आपको न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हुए हैं। इसकी कैश बुक आज करते हैं। कैश बुक थोड़ी सी टेक्निकल थी जो कि इसमें आई थी। पहले इस तरह की कैश बुक आई नहीं, उसमें कोई एक दो पॉइंट्स थे। जारी बात है, हर दफ़ा पेपर में कोई ना कोई नई चीज़ वो ऐड करते रहते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी कैश बुक्स और बिल्स सॉल्व करवाए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स भी, तो आप वो प्रीवियस वीडियोस भी इसी चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा सीएसआर थ्योरी की भी कुछ ना कुछ वीडियोस मैंने यहाँ अपलोड की हुई हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैश बुक आपने प्रिपेयर करनी है अगस्त 2023 की, और इसको क्लोज भी करना है, यानी क्लोजिंग बैलेंस भी आपने फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि जब हमने अगस्त 2023 की बनानी है तो उससे पहले यानी जुलाई 23 में जो जो एंट्रीज हैं वो उस वक़्त के जो क्लोजिंग एंट्रीज थी, अब यहाँ पर वो ओपनिंग एंट्रीज के तौर पर ट्रीट होंगी। तो सबसे पहले इसमें कैश है। कैश आप देख रहे होंगे कि 1,80,800 रुपये का। फिर पोस्टेड स्टैम्प्स हैं। पोस्टेड स्टैम्प्स की एंट्री नहीं होती, हाँ अगर रेवेन्यू स्टैम्प्स हों तो उनकी एंट्री होती है। फिर टेम्प्रेरी एडवांस विद सब इंजीनियर दाऊद है, 1,90,000 ये है। और चेक नंबर दिस ड्रान फॉर सेल्फ लेइंग इन द चेस्ट, एक ये एंट्री आपने इसमें ओपनिंग में ट्रीट करनी है। उसके अलावा चेक इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लेइंग इन द चेस्ट, ये अमानतन चेक रखवाया होता है तो इसकी एंट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। अब चूँकि मैंने यहाँ पर आपको तीन चीज़ें बता दी हैं, एक तो यहाँ पर मैंने कैश बता दिया आपको, आपने करना है एक टेम्प्रेरी एडवांस और एक चेक लाइंग फॉर सेल्फ इन द चेस्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो देखें कैश आ गया 1,80,800 का, टेम्प्रेरी एडवांस आ गया 1,90,000 का, चेक लेंग इन द चेस्ट 1,64,000 का। इन तीनों को जमा करके आपने कॉलम नंबर 4 में लिखना है 5,34,800 रुपया ये बनता है। तो ये 31/7/2023 की एंट्री है। ये हमेशा पिछले मंथ की ही होती है जब आप कैश बुक बनाना शुरू करते हैं। तो अगस्त में हमने प्रिपेयर करनी है तो ये जुलाई की एंट्री होगी। तो ये तो आपका यहाँ से 1/31/7 वाली एंट्रीज हो गई हैं, ये नीचे वाला मैंने आपको बता दिया। 5/8/2023 की पेमेंट की एंट्री है ये वाली। ये तो जारी बात है पेमेंट है 1,66,000 की। तो ये तो सिंपल आपने पेमेंट वाली साइड पे यानी कॉलम नंबर 9 में इसको लिख देना है। तो हवाला दिया 8 में पेमेंट टू लेबरर्स 1,66,000 रुपया, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद है इसमें देखें, ये टेक्निकल पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रहा था। इसमें दो इम्प्रेस्ड हैं, एक इम्प्रेस्ड गिवन टू सब इंजीनियर मुस्तफ़ा, एक सब इंजीनियर उस्मान। एक को 1,55,000 का इम्प्रेस्ड और एक का 1,60,000 का। तो ये दोनों ही मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि चूँकि इम्प्रेस्ड की रेड इंक एंट्री होती है तो 5/8/2023 की मैंने 1,55,000 1,60,000 आप नाम लिख लीजिएगा, इम्प्रेस्ड गिवन टू सब इंजीनियर जो भी लिखे हुए हैं लैदा लैदा आप नाम लिख के 1,55,000 1,60,000 की ये एंट्रीज भी यहाँ से होगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर थ्रू चेक नंबर दिस फॉर वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये 44,20,000 ये अमाउंट है बिल की। तो अब इसमें से आपने 10% सिक्योरिटी कार्ड नहीं है, 7% इनकम टैक्स और 1,90,000 हायर चार्जेस। आप इसका 10% डिडक्ट करें तो वो तो 44,20,000 आ जाएगा, जारी बात है। तो वो यहाँ मैंने लिख दिया। फिर 7.5% इनकम टैक्स था इसी का ही 44,20,000 का और हायर चार्जेस। इन तीनों को हमने करना है जमा, ये जो तीनों हैं इन तीनों को जमा करके मैंने यहाँ पर लिख दिया जितनी अमाउंट आ रही है यहाँ पर कॉलम नंबर 4 में। और इसी तरह यहाँ से आपने इधर दूसरी साइड पर भी कॉलम नंबर 9 में भी इसको लिख देना है। अब टोटल में से इसको माइनस करें,
44 लाख 20 हजार था उसमें से, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाए यहाँ से 3456500, ये यानी कि आपने कॉलम नंबर 11 में लिखनी है, जो कि यहाँ पर माइनस करने के बाद आएगी। इसमें बैड वर्क नहीं दिया गया था, इस वजह से ये डायरेक्ट आपने सारी की सारी जितनी भी हैं उनका यहाँ पर हवाला भी दे दिया, और कॉलम नंबर 3 में, और जो अमाउंट इनकी बनती है डिडक्शंस की वो यहाँ भी लिख दिया, और इसके अलावा आपने यहाँ पर भी कॉलम नंबर 9 में भी लिख दिया। तो ये एंट्री भी यहाँ से होगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिसीव द चेक लाइंग इन द डिविजनल ऑफिस, इसकी एंट्री हम लोग नहीं करते होते। आगे है जी अमाउंट ऑफ टेम्परेरी, ये मैं आपको ज़रा स्पीडली करवा रहा हूँ, डिटेल में मैंने काफ़ी पहले करवा दी हुई हैं, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आगे जी एक्सपेंडिचर एज पर मस्टर रोल, एक ये और एक कैश रिटर्न, ये दो एंट्रीज हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने कहा भी ये मुझसे खर्चे हो गए और ये कैश बच के ये वापस, तो 1,79,000 और 11,000। ये जो एक्सपेंडिचर एज पर मस्टर रोल है ये भी एक रेड इंक एंट्री है, यहाँ हमने डेट लिखी और यहाँ पर उस कॉलम नंबर 9 में 1,79,000 रुपया ये उससे खर्चा हो गया और 11,000 कैश रिटर्न आ गया। इसको सिर्फ और सिर्फ आपने कॉलम नंबर 3 में लिख देना है, बाकी और इसको कहीं भी एंटर नहीं करना, डेट लाजमी लिखनी है 15/8। तो ये भी एक रेड इंक एंट्री है, टोटल 3 रेड इंक एंट्रीज ऑलमोस्ट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चेक कैंसल्ड, तो ये चेक 8,91,100 का कैंसिल हुआ 15 तारीख को, तो यहाँ पर भी मैं इसको क्या करूँगा, चेक कैंसल्ड के नाम से एंट्री करूँगा। तो चेक कैंसल की एंट्री आपने कॉलम नंबर 11 में माइनस में लिखनी है। अच्छा, माइनस में लिखें या पैरेंथीसिस में लिख दें, पैरेंथीसिस में लिखना स्टैंडर्ड है, इस वजह से आपने पैरेंथीसिस में ही इसको शो करना है। चेक कैंसिल के बाद नेक्स्ट एंट्री है चेक रिन्यूअल की, तो ये भी 26/8/2023 को चेक रीन्यू हुआ, तो ये वाली एंट्री है अब यहाँ पर, तो चेक रिन्यूअल की भी एक रेड इंक एंट्री है, तो ये भी आपने सिर्फ इसका हवाला देना है, अमाउंट कहीं नहीं लिखनी, 6311,000 ये इतनी अमाउंट है। उसके बाद है चेक ड्रान फॉर सेल्फ फॉर चेस्ट, इसको एक तो आपने कॉलम नंबर 11 में लिखना होता है और उतनी ही अमाउंट आपने कॉलम नंबर 4 में भी यहाँ पर लिखनी है, तो 3,84,000 ये और 3,84,000 यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका रेफरेंस आपने दोनों तरफ दे देना है, तो चेक नंबर फलां फलां ड्रान फॉर सेल्फ फॉर चेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है कि सब इंजीनियर मुस्तफा पेड एंड रिकूप्ड फुल इम्प्रेस्ड अगेंस्ट कॉन्टीजेंसीज, ये दो एंट्रीज इकट्ठी है, ये जैसे एक ये वाली और एक ये सब इंजीनियर उस्मान वाली, तो ये दोनों एंट्रीज ही आपने यहाँ से करनी है, तो चूंकि यही इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, तो यहाँ पर पेड एंड रिकूप्ड फुल इम्प्रेस्ड ये आपने नाम लिख लेना है इसका, 1,55,000, और यहाँ जो पेड एंड रिकूप्ड फुल इम्प्रेस्ड 1,60,000, ये यहाँ पर दो एंट्रीज आपकी इकट्ठी हो जाएंगी। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट की, पेमेंट मेड टू वर्क चार्जेस टेबलेट रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 30/8/2023 की 1,10,000 की, तो चूंकि ये पेमेंट की है तो ये पेमेंट की एंट्री है, तो ये कॉलम नंबर 9 में आ जाएगी, पेमेंट मेड फॉर वर्क चार्जेस 1,10,000, तो यहाँ से ये पेमेंट वाली एंट्री एक ये होगी। उसके बाद अगली दो भी पेमेंट की एंट्रीज हैं, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स 1,70,000 की 1,56,000 की, तो यहाँ से ये भी आपके 1,70,000 की पेमेंट मेड, एक ये वाली है 30/8 की और एक व्हीकल की है 56,000 की, तो ये दो एंट्रीज भी यहाँ से आपकी पेमेंट की हो गई हैं। पेमेंट के बाद नेक्स्ट दो कैश रिसीव्ड की एंट्रीज हैं, ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड मटेरियल 98,000 की और 1,40,000 की ऑक्शन ऑफ लीज ऑफ कंटीन, तो 98,000 और 1,40,000 की ये दोनों यहाँ से, यहाँ 98,000 की मैंने एंट्री कर दी कैश रिसीव्ड और 1,40,000 की
ये यहाँ से कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑक्शन, ये यहाँ से डेट लिख के एंट्रीज कर दी। अब यहाँ से ये जो एंट्रिंग है, एंट्रीज है इनकी, तो पोस्टिंग आपने कर दी। कैश फाउंड शॉर्ट है, अगर शॉर्ट हो तो आप रिसीट साइड पे लिखते हैं 5000 का, तो यहाँ मैंने लिख दिया कैश फाउंड शॉर्ट 5000। अब आपने क्या करना है, आपने रिसीट साइड और पेमेंट साइड को जमा करना है। पहले रिसीट साइड को करें तो इस ये जो कॉलम नंबर 4 है, इस सारे को जमा करें तो आप यहाँ लिख लें 21,20,300, ये यहाँ पर आ गया। ये चूँकि अमाउंट ज़्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बन के भी यहाँ पर ऐड है, इस वजह से ये अमाउंट ज़्यादा होगी। इसी तरह इस कॉलम नंबर 9 की अमाउंट को भी आप जमा करें सारे को। इस सारे को जब जमा करेंगे तो उसको आप इस वाले जो रिजल्ट है 21,20,300 उसमें से माइनस करें तो ये आपके पास बाय बैलेंस आ जाएगा, ये 25,58,00 ये यहाँ पर आया। अब ये तो यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब उसके बाद आपने क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि इसको क्लोज भी करना था, क्लोजिंग के लिए बाय बैलेंस आ गया 255,800, उसमें कैश फाउंड शॉर्ट ये और इंप्रेस्ड गिवन, इंप्रेस्ड ये दोनों आपने जमा करने हैं। तो इन दोनों को जमा करके आपने क्या करना है, 255,800 में से माइनस करें तो ये क्लोजिंग कैश आपके पास आता है। तो अब चूंकि ये क्लोजिंग कैश एक्चुअली यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है 64,200 का, तो ये माइनस में आएगा। तो इस तरह करके आपने इसको कैलकुलेट करना था। उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गई होगी सारी की सारी। तो अगर यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।